अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अस्तर की कुर्ती कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, ये हमारा अस्तर है, इसे फोर फोल्ड करके रख लिया है हमने। इसमें से हमने जितना कपड़ा हमें लगता है उतना कपड़ा हमने दामन को मापते हुए निकाल लिया है। कुर्ती का दामन है 22 इंच रेडी, 22 का हाफ होता है 11 इंच। तो हमने इसमें मार्जिन रखते हुए, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे कपड़े को कट कर लिया था और इसे फोर फोल्ड करते हुए हम बिछा दिए। फोल्ड साइड का कपड़ा अपनी तरफ होना चाहिए। देखिए, ये मोड़ा हुआ कपड़ा है जो हम अपनी तरफ रखे हैं। अब सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। हमने ये साइज नोटबुक में लिख लिया है, कुर्ती का साइज माप कर। सबसे पहले हम ऊपर एक निशान लगाएंगे, 41 इंच की लंबाई है कुर्ती की, तो 41 इंच का निशान पहले एक नंबर का ऊपर टेप रखेंगे और नीचे 41 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह हम नीचे 41 इंच का निशान लगा लिए। अब इसके बाद हम सबसे ऊपर जो निशान रखे थे वहां पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारे 12 इंचेस, 12 का हाफ लेंगे हम 6 इंचेस, 6 इंच। तो देखिए, शोल्डर का निशान 6 इंच है, 12 का आधा 6 इंच। अब जहां हमने शोल्डर का निशान रुका दिया है वहां से हम बगल का निशान लेंगे। बगल का निशान हमारा है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे इस तरह हम निशान लगा लेंगे। देखिए, ये 6.5 इंच का निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसमें जहां हमारा ये 6.5 इंच का निशान रुका है बगल का, वहीं पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसका चेस्ट है 19 इंच, तो 19 का हम आधा लेंगे तो 9.5 इंच होता है। तो देखिए, इस तरह हम 9.5 इंच का निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई हमारी 13 इंच पर है, 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और चौकों की लंबाई, चौकों की लंबाई हमारी 19 इंच पर है, 19 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये कमर की लंबाई और ये चौकों की लंबाई। अब इसमें क्या करेंगे, हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कमर की चौड़ाई है 16.5 इंच, तो 16.5 का आधा होता है 8.2, सवा 8 के ऊपर 2 काली। तो इस तरह हम टेप को चौड़ाई के तरीके से रखते हुए 8.25 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम हिप की चौड़ाई, देखिए हिप की चौड़ाई हमारी 19 इंच है। जितना हमारा चेस्ट का हिस्सा है उतना ही हिप का हिस्सा है, तो यहाँ पर हम 19 इंच का आधा 9.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरह हम मार्क ले चुके हैं। अब इन सब मार्क को मिला लेंगे, स्केल का भी यूज कर सकते हैं या फिर टेप से भी मिला सकते हैं। इस तरह हमारे ये तीन हिस्से बन चुके हैं। अब नीचे दामन का हिस्सा लेंगे हम। पहले सबसे नीचे जहाँ हमने निशान डाला हुआ था यहाँ पर हम दामन का निशान लेंगे। दामन है हमारा यानी कि बॉटम 22 का हाफ आता है 11 इंचेस, तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लिए, तो ये टोटल हो गया है 12 इंचेस। तो ये हमारा बॉटम हो चुका है। अब हम हिप के निशान के पास से बॉटम के निशान को मिलाएंगे। देखिए, हिप के पास से हम बॉटम के निशान को मिला लेंगे। इस तरह हम मिला लिया हमने। अब देखिए, इसमें हम माया लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ बगल के पास यहां से हम 1 इंच का क्रॉस रखेंगे और इसे राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब यहां पर हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये जिसकी कुर्ती है उन्होंने हमें माया बढ़कर रखने के लिए कहा है, इसलिए हम इसमें माया 2 इंच ले रहे हैं। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए, कमर में भी हम 2 इंच लेंगे और इसे भी हम मिला लेंगे। अब देखिए, हम चौकों का माया, चौकों में हम मार्जिन रखेंगे सिर्फ 1 इंच की। यहां पर हमारी मार्जिन कम रखनी है क्योंकि जब भी हम ड्रेस टाइट होता है तो यहां पर सिलाई नहीं खोलते, यहां पर
सिलाई नहीं खोलकर सिर्फ ऊपर के हिस्से में सिलाई खोलते हैं ड्रेस को लूज करने के लिए। और दूसरी बात, चौक अंकु सीने के लिए भी इजी आसान हो जाता है अगर हम यहाँ पर कम माया रखेंगे तो। अब इसी तरह हम नीचे भी एक इंच माया रखेंगे, यहाँ पर जो हमने 11 के साथ एक इंच मिलाकर ले लिया है, अब इसे इससे मिला लेंगे। इस तरह हमने पूरा डायग्राम बना मिला लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी हम अस्तर का सूट कट करते हैं तो अस्तर पर डायग्राम डालते हैं। तो देखिए इस तरह हम शोल्डर के पास से कट करेंगे। जो जो हमारा बाहर का निशान है वहीं पर हम कट करेंगे। अब इस तरह हमारी ये कुर्ती कट हो चुकी है और यहाँ पर चेस्ट के पास भी एक निशान कट लगाएंगे ताकि सिलाई में इजी हो जाए, और वेस्ट की चौड़ाई के पास भी एक कट लगाएंगे और हिप की चौड़ाई के पास भी एक कट लगाएंगे। ये कट को देखकर सिलाई करना इजी हो जाता है। और नीचे का मैंने दामन नहीं कट किया था, यहाँ पर भी हम साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हम अस्तर कट कर चुके, अस्तर हमारा कट हो चुका है। अब हम इसमें साइज लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 19 इंच है और यहाँ पर 16.5 इंच है। और यहाँ पर भी हमारा 19 इंच है। तो इस तरह हमने यहाँ पर साइज लिख लेना है ताकि जब सिलाई हम करें तो ये इजी हो जाए। अब हम इसे ऊपर के कुर्ती के कपड़े पर रखकर बिछाएंगे। देखिए ये ऊपर की कुर्ती का कपड़ा है, इसे हम पहले दो हिस्सों में कर लेंगे, सामने का हिस्सा अलग और पीछे का हिस्सा अलग। तो देखिए ये जो बीच में से अटैच है दोनों, इसे हम सिलाई को खोल देंगे और खोलते हुए पहले हम फ्रंट का हिस्सा कट करेंगे क्योंकि बैक का हिस्से में हमारे आस्तीन आना है, तो बैक का हिस्सा हम बाद में कट करेंगे। पहले हम फ्रंट का हिस्सा बीच सेंटर से, यानी कि जो भी हमारा डिजाइन होता है उसका बीच का सेंटर। तो देखिए बीच में, बराबर बीच में लेते हुए हम कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए इधर प्लेन कपड़ा दिया हुआ है और यहाँ पर चिकन का वर्क किया हुआ है। तो इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। देखिए हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है बराबर करते हुए, लेकिन जब हम इसे अच्छे से बिछा रहे हैं तो ये जो दामन का कपड़ा है ये सही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसने भी ये लेस लगाया हुआ है उन्होंने इसे सही से नहीं लगाया है कपड़े को कट करके, यानी बिल्कुल उठाकर ऐसे ही लगा दिया है। तो इसलिए हम इस लेस को बाद में यूज करके हुए लगाएंगे, इसे हम खोल के रख देंगे, यानी कि नीचे से हम नहीं ले रखेंगे कपड़ा, ऊपर से ही रखेंगे और अलग से हम दामन के कपड़े को लेस निकाल कर लगाएंगे। अब इसके ऊपर बीच सेंटर में रखते हुए हम अस्तर को बिछा लेंगे। देखिए इस तरह मैंने अस्तर को बीच सेंटर में बिछा लेना है। इस तरह हमने इसे बिछा लिया। देखिए नीचे कितना ज्यादा कपड़ा छूट रहा है, तो हम सिर्फ नीचे से 2 इंच कपड़ा लेकर इस लेस को खोलकर अलग से बाद में लगाएंगे। तो इस तरह हम इसे भी रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए मैं इसे भी कट कर रही हूँ। जिस तरह हमारा अस्तर है बिल्कुल उसी तरह। इसे हटा देंगे हम अस्तर की तरह, हम इसे कंप्लीट कट कर लेंगे। देखिए अब नीचे से मैं 2 इंच बढ़कर लूंगी, यहां से 2 इंच बढ़कर लेते हुए हम इसे कट करेंगे एक्स्ट्रा लेते हुए। देखिए इस तरह हमने ये 2 इंच बढ़कर ले लिया है। अब हम इसे
लैस को खोलकर इस लैस को खोलते हुए इसमें रख लेंगे। जब ड्रेस पूरा सिल जाता है तब हम इस लैस को बाजू से अटैच कर लेंगे ऊपर से। तो इस तरह हमने लैस हटा लिया है। अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, बैक साइड का हिस्सा। तो इसके लिए पहले हम अस्तर निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा ये पीछे का कपड़ा है, इसे भी हम अच्छे से बिछाएंगे, लेकिन इसे हम माये को ध्यान में रहे जितना हमारा दामन है उतना ही हम इसे बिछाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। 11 में 1 इंच माया मिला के 12 इंच है, तो हम कपड़े को मापते हुए बिछाएंगे टेप से। 12 इंच आना चाहिए ये। तो देखिए इस तरह हम कपड़े को माप लेंगे। ये 13 है, मैं इसको और थोड़ा सा कम कर दूंगी। देखिए इस तरह टेप से एक बार मापते हुए हम पूरा कपड़े को बिछा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें आस्तीन निकालना है। अगर हम इसे इस तरह नहीं बिछाकर बराबर सेंटर में से निकालेंगे तो आस्तीन नहीं बैठते, बीच में ज्वाइंट आ जाता है। इसके लिए हम इसे दामन जितना हमारा है उतना ही बिछाएंगे, और बिछाने के बाद इस पर अस्तर रखते हुए कट करेंगे। देखिए अब मैंने इसे बिछा लिया है, अब मैं इसके ऊपर अस्तर बिछाऊंगी। देखिए इस तरह मैंने इसे बिछा लिया है इस कपड़े को दामन मापते हुए। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरह हमने फ्रंट का हिस्सा कट किया था उसी तरह हम इसके बराबर से कट करेंगे। इसमें कुछ भी हमें ज्यादा कम नहीं रखना है। ये जो हमारा बच रहा है कपड़ा, इसमें हम आस्तीन कट करेंगे। देखिए नीचे से इसमें भी मैंने 2 इंच बढ़कर ले लेना है, जिस तरह हमने फ्रंट में लिया था। तो इसे भी हम 2 इंच का निशान बना लेंगे इस तरह। इस तरह हम 2 इंच का कपड़ा इसमें से भी कट कर देंगे। तो देखिए बैक साइड के हिस्से में भी 2 इंच जो हम मार्जिन भी लेते हैं माय में, वो कट हो चुका है। अब मैं अस्तर को अलग अलग कर रही हूं, एक सामने का अस्तर अलग और पीछे का अस्तर अलग। तो इस तरह मैं ये हटा रही हूं। एक अस्तर हम सामने हिस्से में ले लेंगे और एक अस्तर इसमें ले लेंगे। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा हो चुका है। अब हम इसमें कट बगल मापते हुए कट बगल माप कर लिख लेंगे और गले कट करेंगे। देखिए मैं इसका नेक कट करने का तरीका बताऊंगी। नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच, लंबाई है 5.5 इंच। तो यहां से हम 2.5 इंच ले लेंगे और यहां से 5.5 इंच ले लेंगे। इस तरह लेते हुए हम इसमें नीचे भी 2.5 इंच का चौड़ाई लेते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें 1/2 इंच क्रॉस करेंगे और इसे राउंड शेप देंगे। तो देखिए इस तरह हमारा ये बैक साइड का नेक राउंड हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक साइड का नेक कट हो चुका है। अब इसकी पट्टी कट करने का तरीका हम बाद में बताएंगे, और कट बगल इसका माप लेंगे आस्तीन कट करने के लिए। देखिए इसका कट बगल हम इस तरह टेप को छोड़ते हुए मापते हैं, 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच। अब हम पहले अस्तर के अंदर 1/2 आस्तीन कट करेंगे। ये हमारा बचा हुआ अस्तर है, इसमें हमने शलवार भी कट करके हटा ली है। अब देखिए इस तरह आस्तीन का 4 फोल्ड कर लेंगे। आस्तीन के कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। ये हमारा 1 फोल्ड कपड़ा है और ये 1 फोल्ड कपड़ा, यानी कि 4 पदर का कपड़ा ले लेंगे। अंदर हम 1/2 आस्तीन डालेंगे, 1/2 आस्तीन की लंबाई रखेंगे हम 8 इंच, लेकिन ये सिलाई करके 1.5 इंच कम होके आस्तीन आएगा 6.5 इंच,
तो हम एक निशान ऊपर और एक निशान नीचे ले लेंगे। ये हमारा लंबाई का निशान हो चुका है और टेप को इसी तरह रखते हुए 3.5 इंच पर एक लकीर ले लेंगे हम। इस लकीर को हम अंदाजे से ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे माप कर लेना है तो कट बगल हमारा 10.5 है, तो इस तरह हम 10.5 इंच तक लगाएंगे इस लकीर का निशान। तो देखिए ये 10.5 इंच हो चुका है, 10.5 इंच ले लिया है हमने। देखिए जो 10.5 इंच है इसी को इसी तरह रखते हुए हम ऊपर के जो निशान लगाए थे उसकी तरफ क्रॉस कर देंगे, इसे इस तरह क्रॉस कर लेंगे और थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस करते हैं तो ये लकीर का साइज कम हो जाता है इस तरह। और 10.5 का आधा 5.25 इंच आता है, तो 5.25 इंच के पास से हम निशान लेंगे, थोड़ा सा ऊपर राउंड रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे शेप ले लेंगे। तो इस तरह हमारा ये आस्तीन का शेप यहाँ से ऊपर की तरफ होता है फर्स्ट नंबर से, उसके बाद आधे हिस्से से नीचे की तरफ इस लकीर को मिलाना होता है। अब नीचे आस्तीन की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच और मार्जिन लेंगे हम यहाँ पर 2 इंच, 6 और 2 8 इंच, तो इसे भी हम मिला लेंगे। तो देखिए ये नीचे की चौड़ाई हो गई है 8 इंच। इस तरह हम पहले हाफ आस्तीन कट कर लेंगे, तो मैं ये कट करके बता रही हूँ। देखिए इस तरह हम बीच में सेंटर में कट लगाएंगे और ये हमारे नीचे मिलकर है यानी चार पदर मुड़े हुए हैं, तो हम इसे ओपन कर लेंगे नीचे की साइड जहाँ हमने चौड़ाई ली थी। तो इस तरह हमारे ये 2 आस्तीन बन चुके हैं। अब इन 2 आस्तीनों को हम इस कपड़े पे रखते हुए कट करेंगे, इस पे हमारा फुल आस्तीन आना है यानी कि 3/4 आस्तीन। तो पहले हम इसे अच्छे से बिछा लेंगे बचे हुए कपड़े को। देखिए इसे 2 फोल्ड कर लेंगे यानी जो किनारा ऊपर था वो किनारे को हम नीचे मिला लेंगे इस तरह। मिलाकर हम फिर से ऐसा इस तरह मोड़ देंगे, ये हमारे 4 फोल्ड कपड़ा हो चुका है यानी कि 4 पदर हमने इसे बना लिया है। देखिए आस्तीन की लंबाई है 18.5 इंच, तो हमने 18.5 इंच पर निशान ले लिया है 1 इंच माया मिलाते हुए। देखिए हमने यहाँ पर 19.5 इंच लिया है और ऊपर 1 इंच का निशान लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर हम जो आस्तीन कट करे थे उसे रख देंगे इस तरह। इसे अच्छे से इस पर बिछा लेंगे और इसे सेम इसी तरह आस्तीन की तरह कट कर लेंगे। तब ये जो कपड़ा बचता है हमारा, इस कपड़े को हम बाजू में कली बनाकर लगाएंगे, तो यानी कि इधर रख देंगे और दोबारा इसका शेप कट कर लेंगे। ये हमारा आस्तीन ऊपर से कट हो चुका है, अब हम नीचे का साइज देखेंगे। देखिए नीचे का साइज है हमारा 5 इंच, तो 5 इंच में हम 1.5 इंच मिलाएंगे, 2 भी मिला सकते हैं लेकिन 1.5 इंच काफी है। अब इससे हम इस निशान को मिला लेंगे। तो देखिए साइड से भी हम कट कर लेंगे। इस तरह हम साइड से भी कट कर लिए हैं। अब ये जो हमने कली कट की थी ये फोल्ड है, इसे बीच में से ओपन करेंगे यानी कि बीच में से हम इसे कट कर लेंगे कली को, क्योंकि ये बीच में फोल्ड है। और इसी तरह हम बचे हुए कपड़े में से और 2 कली कट करेंगे। ये 2 कली हमारी निकल चुकी है लेकिन हमें 4 कली चाहिए, तो 2 कली और हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे। देखिए ये कपड़ा जो हमारा फ्रंट के हिस्से में है, इसमें से 2 कली कट करेंगे हम इस बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके रखते हुए। ये कली हमारी माये के अंदर जाती है, इसके लिए हम इसे इस तरह रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस तरह 2 कली हमने और कट कर दिए।
तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो चुका है आस्तीन। ये आस्तीन का अस्तर है और ये कली है। तो इस तरह हमारी आस्तीन भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट का नेक बताएंगे, यानी सामने का गला और इसके पट्टियां। तो देखिए, सामने का गला और इसके ऊपर मैंने इसके नीचे ये जो हमने कट किया था इसे भी रख लेना है। इसे अच्छे से बिछाकर इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, 2 भी आधा। तो देखिए, यहां से मैं गले की चौड़ाई 2.5 ले रही हूं और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। नीचे से भी हम 2.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। अब इसके अंदर हम डिजाइन का गला ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर स्क्वायर गला रखने के लिए, स्क्वायर गले का डिजाइन बनाऊंगी, तो मैं 5 इंच का पहले बॉक्स बना लूंगी और इसे इस तरह शेप दे दूंगी। तो देखिए, पहले मैं ये 5 इंच का स्क्वायर में बॉक्स कट कर रही हूं। ये हमारा चौक गला कट हो चुका है। अब इसके सेंटर में हम खाली इसकी नोक बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह हमारा ये नेक कट हो चुका है और इसमें सामने के हिस्से में झोल नहीं आने के लिए हम 1 इंच के नजदीक कपड़ा निकाल देते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है कि हमारे बगल में झोल नहीं आती है। ये सिर्फ फ्रंट के हिस्से में निकालते हैं, बैक के हिस्से में बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। अब इस गले की पट्टी बताएंगे हम। बचा हुआ जो कपड़ा है हमारे पास, उस कपड़े में हम पहले फोल्ड कर लेंगे इसे। देखिए, इस कपड़े को मैं फोल्ड कर रही हूं। और एक हिस्सा निकालकर इस पर रख रही हूं। देखिए, थोड़ा सा छोटा हो रहा है कपड़ा, इसके लिए हम पहले इसे जॉइंट कर लेंगे। इसे हमने सिलाई से जॉइंट कर लिया है बीच में। अब हम इसे इस तरह मोड़ देंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड कपड़े की तरफ। देखिए, इसे मैं थोड़ा इस तरह फोल्ड कर दे रही हूं। इसके बाद गले के हिस्से को इस पर उठाकर रखेंगे और जिस तरह हमने डिजाइन लिया था उसी तरह इसके बाजू से कट करेंगे। ऊपर भी हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए। देखिए, अब ये हिस्सा हमारा इस तरह कट हो चुका है। इसके बाजू से हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए, यानी 1 इंच का माया रखते हुए इसे कट करेंगे। जिस तरह हमारा गला है उसी तरह हम इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरह कट हो चुका है। ये कपड़ा कम रहने से यह हमारा जॉइंट आ चुका है। तो इस तरह हमारा ये नेक हो चुका है। इसका पेपर स्टिक भी हम बिल्कुल इसी तरह कट करेंगे। तो इस तरह मेरी कुर्ती का पीछे का गला भी हम इसी तरह कट कर लेंगे कपड़े को जोड़ते हुए। मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।